नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदना शर्मा। कोरोना महामारी के बीच सरकार ने लोगों की मदद करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। ये योजना क्या है, चलिए जानते हैं। सोमवार यानी 1 जून को केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे रेहड़ी पटरी वाले बिना किसी देरी के अपना काम धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे। इस योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों को और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई है। सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए ये बात कही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई। तो चलिए अब बात करते हैं कि स्कीम के तहत कितना लोन मिलेगा। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपए तक लोन ले सकता है और इस राशि को 1 साल के अंदर किस्त द्वारा लौटा सकते हैं। ये बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा, इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। ये एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा। इसके साथ ही इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत जुर्माने का भी कोई प्रावधान नहीं है। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश भर में पिछले 2 महीने से भी ज्यादा के समय से लॉकडाउन की स्थिति, इसकी सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ती है जो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में पीएम स्वनिधि योजना इनके लिए मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।